जिला मुख्यालय के समीप दाढ़ी बाईपास पर रिहायशी क्षेत्र में पेट्रोल पंप की कवायद सुरक्षा को खतरा साबित हो सकती है। गैस गोदाम के पास पंप खोलने पर प्रशासन पुनः विचार करे। समाजसेवी अतुल भारद्वाज ने प्रेस वार्ता में कहा कि दाढ़ी बाईपास पर पेट्रोल पंप के लिए प्रस्तावित भूमि के साथ गैस गोदाम है, वहीं एक पार्क भी है। प्रस्तावित स्थान रिहायशी क्षेत्र है जो कि लोगों के लिए खतरा साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि दाढ़ी बाईपास पर पेट्रोल पंप को लेकर प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाए जो कि रिहायशी क्षेत्र में पेट्रोल पंप को लेकर एनओसी देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में शीघ्र सूचना के अधिकार के तहत जानकारी एकत्रित करके स्थानीय विधायक और जिला प्रशासन के ध्यान में इस मामले को लाया जाएगा। समाज सेवी अतुल भारद्वाज ने कहा कि शहर में पहले एक पेट्रोल पंप को शहर से बाहर किया गया है, जबकि अब एक नए पेट्रोल पंप के लिए दाढ़ी बाईपास पर पेट्रोल पंप के लिए साइट चिन्हित की गई है। हम पेट्रोल पंप का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हम चाहते हैं कि इसके लिए उपयुक्त भूमि का चयन किया जाए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना और कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारीकरण को लेकर धर्मशाला की जन चेतना संस्था ने सरकार से शीघ्र कार्रवाई अमल में लाने की आग्रह किया। संस्था पदाधिकारियों ने अध्यक्ष एससी दीवान की अध्यक्षता में एडीसी के माध्यम से प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर को ज्ञापन भेजा। संस्था का कहना है कि धर्मशाला में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की शीघ्र स्थापना की जाए तथा कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए सरकार प्रभावी कदम उठाए। संस्था का कहना है कि सीयू स्थापना में स्टूडेंट को हो रही परेशानी से निजात मिलेगी, वहीं कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। संस्था ने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट CAA का समर्थन करते हुए दिल्ली में घटित घटनाक्रम की निंदा की। जनचेतना संस्था धर्मशाला के अध्यक्ष एससी धीमान ने कहा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना और कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के संबंध में सीएम जयराम ठाकुर को जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन भेजा है। केंद्र सरकार इन मुद्दों के हक में निर्णय लेगी तो जनचेतना संस्था इसका समर्थन करेगी। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का संस्था ने समर्थन करने के संबंध में सीएम को ज्ञापन भेजा तथा दिल्ली में जो भी घटनाक्रम हुआ है उसका संस्था विरोध करती है। सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में पीजी कॉलेज द्वारा वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में कॉलेज की प्रधानाचार्य नम्रता टीकू बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। इस खेलकूद प्रतियोगिता में कॉलेज के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में अव्वल आने वाले खिलाड़ियों को राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में खेलने का मौका मिलेगा। खिलाड़ियों ने लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, रिले रेस, डिस्क थ्रो, शॉर्ट जंप जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। इस मौके पर अधिक जानकारी देते हुए कॉलेज की प्रधानाचार्य नम्रता टीकू ने बताया कि कॉलेज द्वारा 61वीं वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में कॉलेज के करीबन 200 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि अगले वर्ष खिलाड़ियों की इस संख्या को बढ़ाया जाए ताकि युवाओं की ऊर्जा सही दिशा में लगे। वहीं खेलकूद प्रतियोगिता में खेलकूद प्रतियोगिता के प्रभारी डॉक्टर सतीश शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है ताकि युवाओं का नशे की ओर कोई रुझान ना हो और वे अपनी सारी ऊर्जा खेल में लगाएं। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों का चयन भविष्य में होने वाली खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए किया जाता है। इस बार अच्छे खिलाड़ियों को खेलो इंडिया प्रतियोगिता में भी भाग लेने का मौका मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि खेल प्रतियोगिता से विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना भी जागृत होती है और उनमें सकारात्मक भावना भी आती है। उन्होंने कहा कि इस बार खिलाड़ियों की संख्या थोड़ा कम है, जिसे प्रयास कर अगली बार बढ़ाया जाएगा। वहीं कॉलेज के छात्र रितांशु शर्मा ने बताया कि सभी बड़े खिलाड़ी छोटी छोटी प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा कर आज बेहतर खिलाड़ी बने हैं, जिन्हें आज भारत के साथ साथ विश्व में भी ख्याति प्राप्त है।
उन्होंने कहा कि सचिन तेंदुलकर और सहवाग इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, इसलिए इस तरह की प्रतियोगिताएं वर्ष में एक बार नहीं बल्कि हर माह आयोजित करनी चाहिए ताकि खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारा जा सके।